2020 का आज अंतिम दिन और कल से नया वर्ष का आगाज होने वाला है। अग्रिम रूप में मैं शुभकामना देता हूं आप सभी को। आपके कैरियर में उत्थान हो, आपका प्रोग्रेस हो, नया साल आपके लिए मंगलमय हो। 2020 के निगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। एक बड़ा अवसर है जो 2021 में आपके लिए आ रहा है, और सर्वप्रथम जिन विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन है उसके बारे में शुभकामना मैं दे दूं कि 2021 में 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वोकेशनल, और 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक मैट्रिक का एग्जामिनेशन हो रहा है। इसके अलावा बीपीएससी 66वीं जो पीटी दिए हैं 27 दिसंबर को, उन सभी को शुभकामना कि आपका पीटी क्लियर हो और आप जो है मेंस लिखें, आगे बढ़ें, इंटरव्यू में बैठें। साथ ही जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का पीटी देने वाले हैं जो 27 जून को है, उनके लिए भी शुभकामना है कि आपका 6 माह भी कम है इसलिए आप लग जाएं। सर्वप्रथम हमारे जो डियर लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपने इस यूट्यूब चैनल को इतना देखा, इतना शेयर किया और इतना सब्सक्राइब किया कि आज इस चैनल को प्रीमियर मेंबरशिप का स्टेटस हासिल हो गया है, और यह बिहार ही नहीं पूरे देश में काफी लोकप्रिय ये चैनल हो रहा है। इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है क्योंकि इस चैनल को आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। हमने भी अपने तरफ से काफी प्रयास किया कि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, या फिर बोर्ड के परीक्षाओं से संबंधित तमाम सूचनाओं को आपके साथ शेयर करने का विषय रहा हो। हमने यही नहीं, आपके वीडियो में जितने भी कमेंट आए उसका मैंने स्वयं उत्तर दिया और हर संभव कोशिश किया कि आपके प्रश्नों का समाधान हो, आपके डाउट और आपके क्वेश्चन का सही सही सॉल्यूशन हो। यही नहीं, हमने एक मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको प्रेरित किया कि आप उस पर भी प्रश्न करके अपने उत्तर जानने की कोशिश कर सकते हैं। अनेक सैकड़ों विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से समस्याओं के उत्तर पाए, और इसका कारण ये रहा कि हमारे बीच में और आप सभी जो डियर लिसनर्स हैं, व्यूअर हैं, उनके बीच में एक गहरा संबंध बन गया है 2020 में। 2020 की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि जब एक लॉकडाउन का समय था, जब सब लोग एक तरह से लॉकडाउन की निराशा में गहरे रूप से एक तरह से पीड़ित थे, उस समय मैं भी एक शांत बैठकर सोच रहा था कि क्या क्रिएटिविटी किया जाए, कौन से नया सृजनात्मक कार्य किया जाए, और मेरे माइंड में आया कि क्यों नहीं इस खाली बैठे समय को मैं अपने जो जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं और जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, और चाहे और जो परीक्षार्थी हैं उन सब के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं और उनको वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से, और वीडियो में जो कमेंट उनके आते हैं उनका सॉल्यूशन देकर उनका मार्गदर्शन करूं, और मैंने यही किया। बंधुगण, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि यह यूट्यूब चैनल 21 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ और आज 8 माह लगभग हुए हैं, और इस दौरान इस चैनल को प्रीमियर मेंबरशिप का दर्जा मिलना अत्यंत गौरव का विषय है, और यह गौरव निश्चित रूप से आपके कारण हुआ है। अगर आपका समर्थन और साथ न मिलता तो यह गौरव कभी भी नहीं होता, इसलिए इसके पीछे संपूर्ण क्रेडिट को मैं आपको देना चाहता हूं। आप इसके लिए अत्यंत ही धन्यवाद के जो भागी हैं, और धन्यवाद आपको निश्चित रूप से, क्योंकि आपने न केवल हमारे YouTube वीडियोस को देखा बल्कि उसको शेयर भी किया और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित किया। हमारा साथ 2021 में भी आपके साथ बना रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूं। एक तरफ जहां मैं यूपीएससी और बीपीएससी के बारे में आपको एक से एक करंट अफेयर्स और सब्जेक्टिव के बारे में एक डीप एनालिसिस दे रहा हूं आपके साथ, चाहे वो इकोनॉमिक्स का विषय हो, चाहे वो पॉलिटी का विषय हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या करंट अफेयर्स का विषय हो, वहीं पर हम बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी लोग हैं, जो मैट्रिक और इंटर, उनको भी पैरेलली उनको सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और गाइड कर रहा हूं। ये कारवां 2021 में चलता रहेगा। आपका विश्वास इसी तरह बना रहे, और
और मैं चाहूंगा कि आपके विश्वास पर पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं खरा उतरूं। पुनः मैं 2021 की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको ज्ञापित करता हूं और निवेदन है कि आपका जो कैरियर है आगे बढ़े, उन 2020 में जितने भी निगेटिविटी था उसको आप छोड़कर आगे बढ़ें, आपका परीक्षा अच्छे से जाए, अच्छा रिजल्ट लाएं, आपका जॉब लगे और प्रगति के मार्ग पर आपका जो प्रगति के मार्ग पर आपका जो कैरियर है आगे प्रशस्त हो, कैरियर में 4 चांद आप लगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।